नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सरिता तिवारी। हमारी आज की इस खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। कांग्रेस में रोडमैप तैयार और ऐसे में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है कि पार्टी आलाकमान पिटारा कब खोलेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने एक बयान में आज मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी कि रोडमैप तैयार है, लेकिन सीएम गहलोत का स्वास्थ्य खराब होने के कारण नियुक्तियों में देरी हो रही है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लतीश पुनिया ने भी लगातार अपने बयानों से सरकार को घेर रहे हैं। हमारी आज की बड़ी बहस में आज इन मुद्दों पर केंद्रित रहेगी और यदि कि कांग्रेस में रोडमैप तैयार है तो फिर पिटारा कब खुलेगा, कांग्रेस के विकास के दावे कितने सफल हैं और राजस्थान में विपक्ष कितना फेल और कितना पास है। और चर्चा में हमारे साथ आज जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो विपक्ष कितना पास है, कितना फेल है, इन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि पहले हो जाता लेकिन सीएम गहलोत की तबीयत खराब होने की वजह से इसमें डिले हुआ है। तो आखिरकार कांग्रेस में पिटारा कब खुलेगा, कौन कौन इसमें विस्तार में आपको बता दें शामिल हो सकता है, नए नए मंत्री के जो चेहरे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर हम करेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस में जो रोडमैप तैयार है इस पिटारे से कौन कौन नए चेहरे कह सकते हैं यहाँ पर सामने आएंगे, वहीं कह सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल यहाँ पर सत्ता पक्ष खड़े कर रहा है कि वो अपना जो विपक्ष का काम है वो ठीक से यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो बीजेपी पर भी सवाल खड़े यहाँ पर हो रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं कि विपक्ष भी कितना पास है, कितना फेल है और कांग्रेस में साथ ही साथ नए मंत्री मंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। जो रोडमैप तैयार है इसको लेकर भी बातचीत करने वाले हैं। तो बड़ी बहस में आज का यही मुद्दा है, आपको बता दें प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्थिति स्पष्ट की है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने बयान दिया है, तो उसको लेकर हम दरअसल बातचीत यहाँ पर कहेंगे। वहीं बीजेपी की यानी कि जो विपक्ष की भूमिका है इस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के विकास के दावे कितने सफल हुए हैं ये भी आज हम जानेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से नेता जुड़ेंगे, तो दोनों से ही ये जो स्थिति है ये हम स्पष्ट यहाँ पर करने वाले हैं। तो मंत्री खाचरियावास ने भी बता दें यहाँ पर काफी कुछ बयान दिया है, साथ ही साथ बीजेपी के कह सकते हैं जो उनका विपक्ष का काम है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए कि वो अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर रहे। तो कांग्रेस ने रोडमैप तैयार कर लिया, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक रोडमैप है जो तैयार हो चुका है। अब इस पिटारे से कौन कौन निकलने वाला है, कौन कौन नए चेहरे यहाँ पर हो सकते हैं ये भी जानने को मिलेगा। साथ ही विपक्ष की भूमिका को लेकर भी यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं कि विपक्ष कितना पास है, कितना फेल है, क्योंकि दरअसल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो दरअसल शुरू हो चुका है। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बड़ी बहस में। जो हमारे साथ पहले गेस्ट हैं जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं गजेंद्र सिंह साखला हैं और दूसरे हैं बीजेपी से हैं विक्रम सिंह सैनी। आप दोनों का पहले तो इंडिया न्यूज राजस्थान की बड़ी बहस के कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले मैं गजेंद्र सिंह आपके पास आना चाहूंगी सर की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन जी ने की है वहां पर, तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो चुका होता अगर सीएम की तबीयत खराब नहीं होती। तो इसमें थोड़ा सा कोई जिक्र कर सकते हैं कि नए मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से चेहरे इसमें आ सकते हैं इस बार? सरिता जी, मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में और कौन कौन नए चेहरे आएंगे, निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी का और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं उनकी आपस में चर्चा होकर के अजय माकन साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, इन्होंने मिल बैठ करके सभी लोगों को का भौगोलिक स्थिति को, सामाजिक समरूप को ध्यान में रखते हुए ही निश्चित रूप से तय किया है। दूसरी बात यह है कि सवाल बार बार विपक्ष इस बात को खड़ा कर रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार की पूरी तैयारी, जैसे हमारे प्रभारी अजय माकन साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि
कि हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है और ये अचानक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की तबीयत खराब होने के कारण पहले एंजियोग्राफी की गई और उसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई और एंजियोप्लास्टी करने के बाद वो स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण विधानसभा के सत्र में भी वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो निश्चित रूप से वो पूरी मॉनिटरिंग राजस्थान के डेवलपमेंट को लेकर विकास को लेकर चर्चाओं बराबर चल रही है, ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है, मंत्रिपरिषद अपना जिम्मेदारी से काम कर रहा है और राजस्थान जिन मुद्दों को लेकर जिन बातों को लेकर के कांग्रेस सत्ता में आई थी उन उद्देश्यों को लेकर के आज हमारे कम से कम 63% से ऊपर के जो काम हैं वो ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, वो चल रहे हैं और बाकी जो हमारे घोषणा पत्र के जो कमिटमेंट्स हैं वो भी पाइपलाइन के अंदर है। तो राजस्थान की जनता ने जिस जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस को सत्ता में बिठाया है, कांग्रेस पूरी नैतिकता के साथ उन कामों को करने के लिए वचनबद्ध है, क्रमबद्ध है और लगी हुई है। विक्रम जी आप क्या कुछ कहेंगे? गजेंद्र सिंह ने कहा है कि जो विकास काफी कुछ यहाँ पे कांग्रेस कर रही है, तमाम दावे वो यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना कुछ विकास राज्य में देखने को मिल रहा है? सरिता जी देखिए, अजय माकन जी राजस्थान के प्रभारी हैं और ये जो उनका बयान आया, एक प्रभारी के नाते उनका बयान आया और इस तरह के बयान अजय माकन जी 2-3 बार पहले भी दे चुके हैं। आज राजस्थान की स्थिति को आप देखिए कि माकन जी की तो मजबूरी है कि उन्हें जब भी प्रेस के लोग या आप लोग उनसे सवाल पूछते हैं साहब मंत्रिमंडल विस्तार क्या होगा, तो उन्हें कुछ जवाब तो देना ही होगा। और राजस्थान में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री की उनकी मजबूरी है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का चले जाना। जिस तरह से पिछली बार आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में जो सिरफोड़ देखा था, उसी का परिणाम है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। यहाँ चर्चा ये नहीं है कि किस मंत्री को क्या पद मिलेगा, यहाँ इस समय चर्चा ये हो रहा है कि सचिन पायलट जी के संग साथ गए 19 लोगों में से कितने को मंत्री पद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के कितने लोगों को मंत्री पद मिलेगा। इसलिए राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना है, जैसे पिछली बार 6-7 बार मंत्रिमंडल विस्तार टला है, उसी प्रकार की आगे हमें देखने के लिए पुनरावृत्ति होने वाली है। दूसरी बात, अभी मेरे साथी ने कांग्रेस आपको मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पता नहीं इसमें कौन कौन कह सकते नए चेहरे यहाँ पर आ सकते। वही खाचरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है विक्रम जी, और उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए, तो विपक्ष की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है अपने काम संभालने में फेल है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सरिता जी देखिए, राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार और बलात्कार पे राजस्थान पहले नंबर पे है। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनोफेस्टो में जारी किए किसानों के पूर्ण कर्ज माफी की बात रखी? क्या कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण कर्ज माफी की? क्या युवाओं को भत्ते की बात की, उन्होंने युवाओं को रोजगार भत्ता दे पाए? तो इन सब बातों में कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस राजस्थान में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजस्थान को इन्होंने महिला अपराधों के अंदर पहले नंबर पर राज्य पे लाके छोड़ दिया है। जो राजस्थान महिला अस्मिता की रक्षा के लिए जाना जाता था, आज वो उसी के नाम से पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान के मुंह पे जो काली पोती जा रही है इस सरकार के द्वारा, वो पूरे राजस्थान और पूरे राजस्थान हिंदुस्तान की जनता देख रही है। तो आप इसका जवाब गजेंद्र सिंह यहाँ पे दे देंगे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार, राज्य सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं जब से बनी है अब तक, क्या कुछ ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिससे लगता है कि हाँ महिला सुरक्षा को लेकर जो सरकार है वो थोड़ी गंभीर है? बिल्कुल सरिता जी, सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के महिलाओं को संरक्षण देने के हिसाब से जागरूक है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब की सरकार आते ही सबसे पहले आपको पता होगा कि जब तात्कालिक सरकार या भारतीय जनता पार्टी की थी, महिलाओं पर अत्याचार होते थे, थानों के अंदर मुकदमे दर्ज नहीं होते थे और उनको वहां से भगा दिया जाता था। सबसे पहले आते ही गहलोत साहब ने एक मजबूत निर्णय किया कि अगर कोई भी थाने के अंदर FIR दर्ज नहीं होती है तो पुलिस अधीक्षक के पास FIR 0 नंबर दर्ज होगी और वहां से वो संबंधित थाने के अंदर जाएगी। सबसे पहला राहत देने का काम किया। दूसरी बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार किसी भी 0 टॉलरेंस जी, FIR तो आज भी दर्ज नहीं हुए, कुछ केस ऐसे भी हैं, कुछ केस ऐसे भी आज ही मैंने दरअसल देखे हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए कि FIR पुलिस जो SI है वो दर्ज नहीं करते हैं, तो जो लोग हैं वो थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि नियरेस्ट जो थाना होता है वो। सरिता जी निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पर आपकी बात सही है,
इस बात को ध्यान में रखते हुए ही राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री को कोई भी जाकर के संबंधित थाने में दर्ज कराए, अगर आनाकानी करता है तो पुलिस अधीक्षक के पास FIR दर्ज करने का प्रोविजन। पहली बार आजादी के बाद हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने ये लागू किया है। उसके बाद में महिला के ऊपर कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है तो सरकार जीरो टॉलरेंस से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। अभी आपके सामने राजस्थान सरकार के पुलिस का एक अधिकारी उसमें संलिप्त था, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आज वो महिला और वो पुरुष दोनों बर्खास्त किए गए सेवा से, कहीं पर भी टॉलरेंस की स्थिति में नहीं है और सरकार किसी भी सूरत के अंदर ऐसे लोगों को पनाह या मौका नहीं देगी जो राजस्थान सरकार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, जनता को किसी भी प्रकार से वो तकलीफ देने की कोशिश करे। सरकार इस बात के लेकर वचनबद्ध है और वो उसकी कार्यशैली के अंदर भी नजर आ रहा है। जो महिलाएं होती हैं वो एक तो घर के बाहर सेफ नहीं है, एंड सेकंड जो आज हमने घटना देखी है हनुमानगढ़ की है, जो कि घर के अंदर विधवा रह रही है अकेली, उसके बाद रेप एंड हत्या का ये मामला आया। और ऐसे में जो सवाल ये है कि जब घर के बाहर हम तो सेफ महसूस नहीं करते तो घर के अंदर भी नहीं है, तो ये दोनों जगह पे वैसे स्थिति बनी हुई है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ राजस्थान की बात है, पूरे देश के कहीं ना कहीं यही हालात हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आइडियाज़ यहाँ पे हो सकते हैं कि ऐसे घटनाक्रम रुक जाएं, सिर्फ FIR तक की बात नहीं है, क्योंकि घटना होने के बाद FIR होती है। हम चाहते हैं कि उस तरह की घटना हो ही नहीं, अगर घटना ही नहीं होंगी तो FIR होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको लेकर सरकार भी थोड़ा सा कुछ आइडियाज ला सकती है कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि क्या कुछ कर सकते हैं ताकि लोग ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचें। सर बिल्कुल सरिता जी, इस संबंध में भी सरकार चिंतित है और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी संबंधित थानों के अंदर CLG की मीटिंग्स को भी रखा है। इस बार इन्होंने प्रावधान में दिया कि CLG की मीटिंग जो 3 महीने से होती है उसको प्रति महीने किया जाए, और उसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं वो महिलाएं परिवारों के अंदर भी इस बात को लेकर के सेंध रखे कि महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हो, उसकी भी जानकारी समय समय पर दी जाए। कांस्टेबल बीट है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार ने तय की है। कांस्टेबल बीट का जो कांस्टेबल है, कई महिला है कई पुरुष भी है, वो भी संबंधित लोगों के साथ, जो अलग अलग धर्म और संप्रदाय के सामाजिक लोग हैं, जातियों में जो प्रभुत्व रखते हैं, उन लोगों से संपर्क करके कि परिवारों के अंदर भी कहीं पर भी महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो, कोई सोल्यूशन लाने का ये विषय ऐसा है, हालांकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। हम बात करें यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जो हमारा मुद्दा उस पर आते हैं, बढ़ाने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है जी। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहाँ पर बात कर रहे थे, एक तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं देरी यहाँ पर हो रही है, इससे लगता है कि जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनमें भी एक अभी फिलहाल मायूसी हो रही होगी, क्योंकि वो भी काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है सरिता जी आपकी, मैं बात से सहमत हूँ, कार्यकर्ताओं के मन में भी ये बात है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, इसको झुठलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की रही। आपके सामने 1.5-2 साल से कोविड, पूरा देश कोविड को झेल रहा था, और उस पूरे देश के अंदर राजस्थान की भूमिका, राजस्थान सरकार की भूमिका पूरे देश ने सराही है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है कि कोविड काल के ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी सरकार आम आदमी के साथ खड़ी रही और आम आदमी की तकलीफ को कम करने के लिए उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। इस 1.5-2 साल की वजह से डिले हुआ है, और इस डिले को अतिशीघ्र करने के लिए हमारे प्रभारी अजय माकन साहब और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा लगातार मीटिंग, आज भी जैसे विधानसभा का सत्र से आज कुछ थोड़ा उनको आराम मिला, आज ही उन्होंने करीब 3.5 घंटे तक मैराथन मीटिंग लेकर के और हम सबको इंस्ट्रक्शंस जारी किए कि आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार का रोड मैप पूरा तैयार है और अतिशीघ्र सरकार इसकी घोषणा भी करने वाली है, जिससे सरकार के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सरकार की जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाया जा सके। आज मुख्यमंत्री चिकित्सा जो योजना है उस योजना का आम लोगों के अंदर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा है और उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज ये मानस भी था कि जिले के अंदर हम जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसकी मॉनिटरिंग के लिए किसी अधिकारी को भी नियुक्त किया जाए, तो सरकार को यह भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से फीडबैक दिया गया है कि एक मॉनिटरिंग अधिकारी भी हम जिले लेवल पर नियुक्त करें, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी आती है तो जिले लेवल पर ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, जो सरकार की तरफ से 5 लाख तक की योजना है, उसका लाभ मिले।
ये सरकार की पूरी मनसा है और इसके अनुरूप ही सरकार काम कर रही है। बिल्कुल विक्रम जी, आप क्या कुछ कहेंगे जो इन्होंने स्वास्थ्य योजना की बात कही, जो सरकार की योजना चल रही है 5 लाख तक इंश्योरेंस की जो बीमा मिलेगा, क्या आपको लगता है धरातल पे ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए सरिता जी, राजस्थान में धरातल पर क्या हो रहा है ये आप मीडिया के बंधु और राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है। थानों में आप देखिए, अलवर के थाना गाजी में जब एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो 8 से 6 दिन तक सिर्फ इलेक्शन के कारण मामला दबा दिया जाता है। यहाँ पे थानों के अंदर फरियाद देने के गई हुई महिलाओं के साथ बलात्कार हो सकता है, यहाँ आरपीएस जैसे अधिकारियों के आप वीडियो वायरल होते हुए देखेंगे। तो राजस्थान के अंदर आप देखें तो राजस्थान की दुर्दशा दिन ब दिन और बदतर से बेहतर होती जा रही है। और राजस्थान के परिवेश के अंदर, राजस्थान के जो मंत्रिमंडल विस्तार की आज चर्चा है, तो राजस्थान में ना तो मंत्रिमंडल विस्तार किसी तरह का होना है। मैंने एक बार पहले भी इस चैनल पे दावा किया था और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान में जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार चली जाएगी। आपने पीछे भी देखा कि जिस सरकार के गजेंद्र सिंह जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सरकार चली जाएगी? ये पूरे राजस्थान में देखा है। सरिता जी हमारे फाजिल दोस्त इस बात को बड़ा बखूबी बयान करते हैं, मैं इन्हीं की बात का इन्हीं के शब्दों में जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि राजस्थान के अंदर 3.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा आंदोलन इस राजस्थान के अंदर अभी तक, अगर कांग्रेस की सरकार ये जैसे बता रहे हैं कि फेल साबित हो रही है, आपने कौन सा जन आंदोलन किया जिसके अंदर जनता ने आपका समर्थन किया? पहली बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात आपको और बता दूं कि ये जनता के बीच में इसलिए नहीं जा सकते कि आज इनके अंदर ये 8 से 10 इनके नेता जो है मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री मैं हूंगा, वो कह रहा है मुख्यमंत्री मैं हूंगा। ये मुख्यमंत्री का जो 2020 मैच है ये आपस में फुटबॉल बना हुआ है। आज जो सम्मानीय नेता पहले यहां मुख्यमंत्री तक रही है उनके नाम पोस्टरों से गायब है, इनके अंदर आपस में बहुत तनातनी है। तीसरी बात, इनकी बात का जवाब देता हूं कि आज सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन में इसलिए नहीं जा सकती कि किस तरह से इन्होंने केंद्र सरकार के अंदर महंगाई खत्म करने का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, किसानों की आय दुगनी करने की वादा किया, आज वो सारे किसान 10 महीने से सड़कों पर है, ये जनता के बीच में जाते हैं, इनके कपड़े फाड़ते हैं वो किसान। दूसरी बात यह, महंगाई चरम सीमा पर है, आज डीजल और पेट्रोल 600 रुपए से पार है, आम आदमी की स्थिति बहुत खराब है। पेट्रोल गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपए के आसपास गैस का सिलेंडर चला गया और ये कह रहे हैं देश के अंदर महंगाई जैसी कोई बात नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात की, आज नौजवान सड़कों पर है। किसानों के लिए आपकी सरकार ने क्या कुछ किया विक्रम जी, है आप थोड़ा सा बता सकते हैं? की बात करें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर मुख्यमंत्रियों को लेकर लड़ाई है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी माननीय सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में एक मुखी है भारतीय जनता, और कांग्रेस पार्टी के आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल लाकर बिजली की मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, फोटो लगाते हैं। क्या मुख्यमंत्री को थोड़े बहुत भी नैतिकता की समझ नहीं है कि उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली देकर वो उसमें फोटो लगाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने आज महंगाई की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में हर चीज को लेके किसानों के साथ धोखा दिया है। समय आपका गजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर एक और आखिर में कुछ सवाल आपसे लेना चाहूंगी, यहाँ पर थोड़ा से बताइए ये मंत्रिमंडल का सर ये जो विस्तार होगा, यहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं क्या उनको भी थोड़ी सी तवज्जो मिलेगी? क्या हमेशा की तरह इस बार भी जो बड़े चेहरे होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनको ही प्रायोरिटी पर रखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सरिता जी। राजस्थान के अंदर तकरीबन 30,000 के आसपास नियुक्तियां हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में जिला लेवल पर भी है और उसके बाद प्रदेश स्तर पर है। जो पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश स्तर की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, प्रदेश स्तर के लीडर है, उनको प्रदेश स्तर पर मौका मिलेगा। जो जिले स्तर पर है उनको जिले स्तर का मौका मिलेगा। संभाग पर भी कुछ पद है, उनको संभाग स्तर पर मिलेगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसका जितना योगदान है उसको उतना भागीदारी राजस्थान सरकार के अंदर मिलेगी, ये बात पहले से तय है और उसी पैटर्न के ऊपर राजस्थान की सरकार काम कर रही है।
बिल्कुल। और मंत्रिमंडल विस्तार से परे मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगी, दरअसल आपके राज्य में महिला आयोग है सर, वो थोड़ा सा ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी आज हल्ला बोल के हमारे कार्यक्रम में कई सारे इश्यूज उठे हैं, क्योंकि महिला आयोग के पास अब शिकायत जाती है तो बहुत ही डिले, यानी कि उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो हम ये पर्सनली आपसे कहना चाहूंगी आप थोड़ा सा इस तरफ देखें, ताकि जो प्रॉब्लम्स है लोगों की महिलाओं से जुड़ी हुई दरअसल, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई यहाँ पर हो सके। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बड़ी बहस में, और उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम बताई उसको जल्दी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सॉल्यूशन उसका लेकर आएंगे। तो आज हमने यही जाना कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है कार्यक्रम में, कि उसमें आखिरकार इतना डिले क्यों हो रहा है, अपने अपने पक्ष यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने रखे हैं, अब देखना ये होगा कि जो नया मंत्रिमंडल है इसमें कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या कार्यकर्ताओं को इसमें तवज्जो दी जाएगी, या फिर वही पुराने ढर्रे पर कह सकते हैं कि जो बड़े फेसेस होते हैं उनको तवज्जो दी जाएगी। जो भी होगा आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।